सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अर चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं मालचा महल। बहुत टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि एक्चुअली में लोकेशन जो थी यार काफ़ी अंदर है और मुझे पता नहीं था, तो आने में मुझे बहुत समय लग गया। और अभी आप देख रहे होंगे मैं ये मालचा महल वाले रोड पर खड़ा हूँ, और अभी हम चलते हैं अंदर और अंदर चल के आपको ये मालचा महल दिखाते हैं कि आज के टाइम पर ये मालचा महल देखने में अंदर कैसा है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू, और शुरू करने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आप ये रास्ता देख रहे होंगे कितना खतरनाक रास्ता है, और किस रास्ते से होते हुए हम अंदर जा रहे हैं। और यार एकदम सुनसान रास्ता, कोई नहीं है। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो कभी अकेले मत आना, मैं आपसे यही कहूँगा, साथ में दो या तीन बंदे जरूर आना। आप देख रहे होंगे पूरा कैसा है, और हम पहुंच चुके हैं मालचा महल, जो कि दिल्ली में हॉन्टेड लोकेशन में से एक है। तो अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है वो मालचा महल। तो चलते हैं अंदर, और अंदर चल के देखते हैं कि आज ये अंदर से देखने में कैसा है। देख रहे होंगे हम पहुंच चुके हैं मालचा महल के अंदर, जहां पे तो गाइज ये है वो मालचा महल जहां रानी विलायती ने सुसाइड किया था। तो अब अंदर चल के देखते हैं यार, इसे जो हॉन्टेड बताया जा रहा है वाकई में, इसलिए अंदर चल के कहते हैं कि दिन में भी यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। तो यार हम आ चुके हैं और हम अंदर चल के देखते हैं कि वाकई में ये हॉन्टेड है, मतलब दिखने में हॉन्टेड है या हकीकत में ऐसा कुछ हमें फील होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये देख रहे होंगे आप अंदर का व्यू, ये है वो मालचा महल। तो इसे यार कहा जाता है ये हॉन्टेड है, और इसके हॉन्टेड भी देखो यार, यहाँ पे हैं चमगादड़, ठीक है, यहाँ पे चमगादड़ वगैरह होंगे, तो थोड़ा हम संभल के अंदर बढ़ेंगे, ठीक है। ये देख रहा हूँ दोस्तों यार, अभी दिन का टाइम है, तो दिन में मुझे इतना डर लग रहा है, तो रात में कितना डर लगेगा ये सोचना भी बहुत ही मुश्किल होगा। चमगादड़ है भाई अंदर, चमगादड़ है बहुत। दोस्तों ये है ऊपर जाने का रास्ता, और हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर से देखने में ये मालचा महल का जो मालचा महल की जो छत है ऊपर से देखने में कैसी है। तो चलिए ऊपर चल रहे हैं, और ऊपर चल के ऊपर का व्यू देखते हैं। ऊपर से देखने में आप देख रहे होंगे ये है ऊपर का व्यू। तो यार अभी हम पूरा ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये पीछे इसरो का सेंटर है, तो अभी हम पीछे नहीं जाएंगे, आपको ये दिखा देंगे। ये देखिए चारों तरफ जंगल है, इस मालचा महल के चारों तरफ जंगल है, और इस जंगल के बीचों बीच ये मालचा महल है ये बना हुआ है। और अगर बात करें ये सीढ़ी की, तो यहाँ पे जाने के लिए 1 2 3 4 5 मतलब 6 7 सीढ़ियाँ दी गई हैं नीचे जाने के लिए, और कौन सा रास्ता कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि यार जितने कमरे उतनी सीढ़ियाँ यहाँ पे। तो अभी हम जिस रास्ते से आए थे हम नीचे की तरफ चलते हैं, और नीचे चल के आपको और भी कुछ नीचे का व्यू दिखाते हैं, आइए चलते हैं। तो दोस्तों अब आप देख रहे होंगे, ये देखिए यार यहाँ पे पहले काफ़ी गंदगी पड़ा रहा करती थी, अभी तो साफ़ सफाई से काफ़ी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी साफ़ सफाई है। तो ये देखिए यार जितना
इसे हॉन्टेड कहा गया है ना, ठीक है। तो यार दिन में तो देखने के लिए मेरे हिसाब से दिन में तो ऐसी कोई हॉन्टेड वाली बात नहीं मिलेगी आपको। ये देखेंगे आप, इसकी छत है और पूरा ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ से रास्ता है जंगल की तरफ, और जंगलों के बीचों बीच बसा ये मालचा महल, जो कि दिल्ली की हॉन्टेड लोकेशन में से एक बताया जाता है। तो दोस्तों बात करूँ इस मालचा महल की, तो इस मालचा महल में कहा यह जाता है कि आज भी विलायती रानी जो है उनकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कैसी आवाज़ें आ रही हैं, कैसी खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं। तो यार यहाँ ज़्यादा रुकना मैं अनसेफ समझूंगा, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से निकलते निकलते आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इतनी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अभी मैं निकलता हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों ने यहाँ पर बैरियर लगा रखा है और यहाँ पर आने के लिए सख्त रेस्ट्रिक्शन है। तो बाहर की तरफ मुझे देख रहे होंगे ये मालचा महल है, और यहाँ पे यार कभी अकेले में ना गलती से भी मत आना, क्योंकि अकेले आने यार खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जंगल के बीचों बीच बसा ये मालचा महल है। और अंदर जाना यार, मैं अंदर अकेले गया था, आपको आप लोगों ने देखा कि अंदर कितनी आवाज़ें आ रही थी। तो अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। और बाकी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितना पूरा मतलब पूरा घना जंगल है, और ये पीछे सारे कांटे के पेड़ लगे पड़े हैं। तो हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर चलते चलते आपको पूरा ऑन रोड व्यू दिखाएंगे कि ये मतलब कितने सुनसान रास्ते से होते हुए हम लोग अंदर आए हुए हैं। तो अब आपको बाहर चलते हुए पूरा रास्ता दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों ये वो रास्ता है जहाँ से हम अंदर की तरफ आए थे, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये रास्ता जा रहा सीधा मालचा महल की तरफ, और मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कितना घना जंगल है पीछे, और कितना रिस्क लेना पड़ता है यार एक वीडियो शूट करने के लिए। आप लोगों के लिए बस इतनी मेहनत करते हैं, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए, और प्यार के नाम प्यार एक वीडियो को लाइक चाहिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए चलते हैं और आगे चल रहे हैं, और आपको आगे का पूरा जंगल दिखाते हैं कि आगे से पूरा जंगल कितना बड़ा है और कैसा है। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये कितना सुनसान पूरा जंगल है, और इसी जंगल से होते हुए हम अंदर आए थे, अब इसी जंगल से होते हुए हम बाहर की तरफ जाएंगे। यार ये देखिए पूरा पीछे पूरा सूना पड़ा हुआ है जंगल, ये देखिए आपको पूरा दिखाता हूँ, पूरा पीछे सूना पड़ा हुआ है। तो अभी हम दो लोग आए हुए हैं, तो आपसे भी ये कहूँगा अगर आप कभी मालचा महल आने की सोच रहे हैं तो यार कभी भी अकेले मत आइएगा, हमेशा दो या तीन लोग आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि यार कहते हैं ना कि भूतों से डर नहीं लगता है, इंसानों से डर लगता है। तो बस इस चीज़ का आप ख्याल रखना। तो दोस्तों जहाँ तक हो सका वहाँ तक मैंने आपको मालचा महल आपको अंदर से दिखाया, और कुछ लोग ये कहेंगे यार तुमने पूरा मालचा महल पूरा अंदर पूरा घूमे नहीं हो, पूरा हमें दिखाया नहीं। तो यार डर हमें भी लगता है, तो ठीक है डर हमें भी लगता है, इंसान हम भी हैं। तो यार इतना अंदर डीपली मैं जाने की कोशिश तो की थी, लेकिन यार क्या करें वहाँ पे चमगादड़ इतने ना, और इतने मतलब कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि जंगलों के बीचों बीच बसा ये महल है, तो यार वहाँ से कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए आगे चल रहे हैं, और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि ये जंगल कितना ख़तरनाक है। कुछ गिने चुने लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि यार जो काम मैं कर रहा हूँ ना वो कोई एक रात का हलवा नहीं है, ठीक है एक रात का हलवा नहीं है। इसमें मुझे कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है वो मैं जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि आप लोग बस घर में बैठ के आपने वीडियो क्लिक किया और वीडियो देख ली बात ख़त्म, लेकिन मुझे पता है कि मुझे एक वीडियो शूट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप लोग अपना काम करिए और मुझे अपना काम करने दीजिए, आपसे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह पाऊँगा। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये रास्ता था जो मालचा महल की तरफ जा रहा था, और पीछे पूरा जंगल है, और ये जो रास्ता है
ये बाहर की तरफ जा रहा है और अभी हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है 3:30। और यार मैं सुबह का घर से निकला हुआ हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि यार इस मालचा महल को ढूंढते ढूंढते ना काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, तो इसलिए लेट हो गया मुझे। क्योंकि यार मैंने सोचा था कि आज आपके लिए मैं, आज सैटरडे था तो मैंने सोचा आज आपके लिए 2 से 3 लोकेशन लेके आऊँ, तो सॉरी यार इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि यार मुझे यहीं पर ये मालचा महल ढूंढने में बहुत समय लग गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और बस यार अपने भाई को ऐसे ही प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना अपने भाई के ऊपर, और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको कभी भी मेरी वीडियोस पे कोई भी बोरियत महसूस ना हो। और जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है और वो अपना वीडियो पे प्यार दिखाते हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आती उनसे भी एक बात कहूँगा, यार लाइक मत किया करो, तो डिसलाइक कर दिया करो, ठीक है? क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें ना कभी पसंद आई थी मेरी बातें ना कभी आएंगी, ठीक है? नहीं आएंगी। चलिए तो अब निकलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों इस मालचा महल पहुँच के एक चीज़ तो समझ में आई यार, कि अगर हमें कभी इस जंगल में बीचों बीच हमें रहना पड़ता ना यार, तो यार हमारे लिए इम्पॉसिबल था यार। कैसे रहा करते थे पहले के लोग जंगलों के बीचों बीच, इतना मतलब इतना आलीशान महल बना के, कि एक आज के टाइम पे खंडर हो चुका है, लेकिन एक टाइम पे ये आलीशान महल था यहाँ पे। तो हाँ एक बात और बता दूँ, इसे जो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था इस महल को, ठीक है? तो बताया ऐसा जाता है कि वो यहाँ पे शिकार वगैरह करने के मकसद से यहाँ रुका करते थे, तो इसलिए उन्होंने इसे बनवाया था। और उनके जाने के बाद ये महल जो है इंदिरा गांधी ने रानी विलायती को सौंपा था, और रानी विलायती यहाँ पे अकेली रहा करती थी, और खाने पीने की व्यवस्था ना होने के ही वजह से उन्होंने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। और बातें तो यहाँ पे कई बनाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कि खजाना है, मतलब उस टाइम के खजाने यहाँ पे दबे पड़े हैं, बातें यहाँ पे कई होती हैं, लेकिन अभी तक इस बात का तो कुछ प्रूफ निकला नहीं है। तो अब चलते हैं हम बाहर की तरफ, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बाहर वाला रास्ता, और हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, आइए चलते हैं। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू, टाटा, बाय बाय।